डियर ट्रेडर्स, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपको नहीं पता कि निफ्टी और सेंसेक्स का डायरेक्शन क्या होगा, कि निफ्टी अभी यहाँ से ऊपर जाएगी या सेंसेक्स नीचे जाएगा, क्या होने वाला है। तो अभी आपको खरीदने चाहिए शेयर या नहीं खरीदना चाहिए, यही पता नहीं कितने सालों से आप सोचते रहते हैं। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है? स्विंग ट्रेडिंग में जब आप काम करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप टुकड़े टुकड़े में खरीद रहे हैं चीजें। तो सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज या 10,000 रुपीज है, तो आपने 1 लाख रुपीज में से 40,000 के शेयर खरीदे हैं। अब उसके बाद या तो उस शेयर की प्राइस नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाती है तो फिर आप वहां पे आपने जितने शेयर खरीद रखे हैं सपोज 40,000 के, तो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुक करने वाले हो। अगर वहां से और गिरावट आ जाती है तो आप मान नीचे बेटर प्राइस पे, कम प्राइस पे शेयर को खरीदने वाले हो। तो हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात है दोस्तों। जैसे ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों के बारे में, ज्यादा ब्रेक के बारे में, कि कंट्रोल आपके हाथ में। क्या मार्केट कहां जाएगा, दुनिया में कौन सी घटना होगी, कब वार होगा यूक्रेन रशिया का आपको नहीं पता, कब कोविड की कौन सी लहर आएगी आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि यूएस का इन्फ्लेशन कब अचानक से उछाल मारने लगेगा। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि ये मेरे पास इतना पैसा है और इसमें से इतना पैसा मैंने लगा के रखा और इतना पैसा मेरे हाथ में ताकि मैं किसी भी हालात का सामना कर सकूंगा, तो फिर बताइए घबराने वाली बात क्या। अब उसके बाद में जैसे अगर कोई बोल दे कि अच्छा यहां से नीचे जाने वाला है अगर बाजार, तो फिर मैं अभी यहां क्यों खरीद रहा हूं, वहीं क्यों नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आपको पक्का नहीं मालूम है कि नीचे जाएगा। और अगर आप सोचो कि नहीं अभी यहां पे नहीं खरीदता हूं, थोड़ी देर से खरीदूंगा, तो हो सकता है कि इतनी ऊपर चला जाए बाजार कि आप फिर पछताने लगे कि यार जो चीज 1,000 रुपीज की प्राइस पे मिल रही थी वो 1,300 पे, अब मैं उसको कैसे लूं। तो फिर होते होते वो 2,000, 3,000, 4,000 भी हो जाएगी। आपने IRCTC में देखा नहीं क्या 300 का शेयर कैसे 2 साल के अंदर 6,000 से ज्यादा का हो गया। इसी दुनिया में जहां पे लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए 2-2 साल इंक्रीमेंट का इंतजार करते हैं, वहां पे किसी का पैसा कितने गुना हो सकता था, 20 गुना 2 साल के अंदर। और क्या किसी को रुकावट थी कि ये नहीं खरीद सकता, ये खरीद सकता है? कहीं कोई सरकारी कंट्रोल था क्या? किसी आपको क्वालिफाई करना था मार्केट में शामिल होने के लिए? तो दोस्तों हम पता है किस बात से चूक रहे हैं कि कोई चीज अगर हमको यहां से पहले से पता नहीं हो तब तक हम उसको उसमें इन्वॉल्व होने के लिए बाहर एक कदम भी नहीं रखते। और यही चूकने वाली बात है। अगर लाइफ में आपको अधिकतर चीजें जो भी आप नहीं शुरू करोगे ना वो धुंधली धुंधली पता होती है आपको, आप ऐसे पहुंच जाते हुए मैं भी थोड़ा बहुत देख रहे हो ये सोच के कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। दुनिया में अगर इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है शेयर मार्केट का नाम का, और सारी डेवलप्ड कंट्रीज के लोग तो स्टॉक मार्केट को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिस मानते हैं, ऐसे में आपने इसका नाम सुना है, इसकी कहानियां सुनी सुनाई, लेकिन इसको हाथ भी नहीं लगाया ढंग से, अब ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग का 4,000 का कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाजार जब भी ऐसे लेवल पे आता है तब मुझे दिखता है कि अब बहुत सारे लोग सेफ एंट्री कर सकते हैं। वो लोग जो मार्केट से डरते हैं वो 18,500 के लेवल पे अगर एंट्री करते, जो कि बहुत सारे लोगों ने की, क्योंकि उनको लगा कि भाई बाजार भाग रहा है, सबको बहुत फायदा हुआ, तो वहां पे एंट्री करके बैठ गए और अब वो परेशानी में। मैं कह रहा हूं ये जगह जहां पे आप सबको डर लग रहा है और सब बुरी बुरी खबरें आपको सुनने को मिलती है कि बाजार तो आज भी गिरा, कल भी गिरा, अब तो इकोनॉमी की हालत खराब है और वार हो गया, ये वो सब, ऐसे वक्त अगर आप एंट्री करें ना तो आपको क्या नुकसान है? नुकसान उसको हो सकता है जो ऊपर के लेवल पे बाय किया और अब देख रहा है कि प्राइस नीचे चली गई। पर प्राइस नीचे आ गई है, क्या ये आपके लिए मौका नहीं है? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर आपको यकीन नहीं हो तो जाके चार्ट देखिएगा किसी भी कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज या HDFC बैंक या ICICI बैंक या टाटा मोटर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई चीज जो 500 रुपीस की थी जो शेयर प्राइस, वो घट के अब 280 का हो गया। वॉरेन बफेट कहते थे ना कि जब बाकी जगह डिस्काउंट लगता है तो भीड़ लग जाती दुकान पे, हमारे यहाँ डिस्काउंट लगता है तो लोग भाग जाते हैं, दुकान खाली हो जाती है। ये क्यों होता है? इग्नोरेंस की वजह से। ये क्यों होता है? शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से। हमको निकट दृष्टि दोष है, बस हम पास पास का देख पाते, दूर का तो देख ही नहीं पा रहे। और दूर का देखेंगे ना दोस्तों तो दूर तक की यात्रा होने वाली है।
तो स्विंग ट्रेडिंग का 4000 का कोर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ये जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आप सुरक्षित रहेंगे, वो एक एक बात हम आपको बताने वाले हैं पूरी हैंड होल्डिंग के साथ। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं, सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में छलांगे लगवा सकता है, आपको नहीं आपकी पूरी फैमिली को, आपके बच्चों को, बच्चे के बच्चों को आप ये विरासत देके जा सकते हैं, उसके लिए अगर आप कोशिश करना चाहें तो मैं बस एक बार आपसे कहूंगा कि कर लीजिए, दूसरी बार नहीं कहूंगा। क्योंकि आपका आगे बढ़ना ये हमारे आग्रह की विषय वस्तु नहीं है, ये आपके सोचने की चीज है। अगर आपको यहाँ पे कोई संभावना देख के और रुझान नहीं जागता है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं जागता है, अवेयरनेस नहीं जागती है, तो गीली लकड़ी जलाने का शौक हमें भी नहीं है दोस्तों। आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और आप सजेशन दीजिए, आप क्या क्या जानना चाहते हैं, उसमें एक एक बात हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद आप, आपके पास समय है तो मेरे सारे फ्री वीडियोस हैं जिनके साथ आप सीखते जाइए। अगर समय की कमी है तो छोटे मोटे पेड कोर्सेस हैं जिनके साथ शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ आसान है, बस जरूरत किस बात की है, एक सही शुरुआत की। तो शुरुआत आप हमारे साथ कीजिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए ग्रुप्स को और सीखना शुरू कीजिए। हम एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट हर एक के लिए, स्टॉक मार्केट फॉर एवरीवन, और आपकी फ्रीडम और आपके थ्रिल को कभी खत्म नहीं होने देगा ये करियर। इस करियर को उतना सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में हम लोग आगे लेके जाने वाले। थैंक यू।